ऑलराइट गाइस, लेट मी टेल यू हाउ डिफिकल्ट इज दैट। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना मुश्किल है। इट इज सो सिंपल एंड इजी, इसको लिखना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। शी इज द यूनियन मिनिस्टर सावित्री ठाकुर एंड शी इज गोइंग टू राइट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये देखो, मैं हैरान हूं जी, यहां पर इन्होंने इस स्लोगन को गलत लिख दिया है और ये सुबह से न्यूज में चल रहा है और सुबह से लोग शौक में है। ये नीट की एग्जाम और इसका विवाद और पेपर लीक, ये सारे आंसर्स यही मिल रहे हैं आपको। ये हालत है। शी इज टेकिंग केयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, ये जो भी करते जनता पर उसका असर पड़ता है। लास्ट टाइम विद दिस स्लोगन मोदी जी ने भी एक गिव अप कर दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और उनके कुछ मिनिस्टर्स ने काफी सीरियसली लिया था इसको। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस, मुझे निर्मला सीतारमन जी के लिए और रिस्पेक्ट आ गया है। अननेसेसरली वी आर ब्लेमिंग हर एंड प्लेइंग दिस हॉरिफाइंग साउंड एंड ऑल दिस थिंग। या शी इज गुड, आई मीन फ्रॉम रेस्ट ऑफ देम। तो ये तो हमारे नेताओं के हाल है, अब आते हैं आम जनता पे। एंड प्लीज प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। जस्ट एज अ कॉमन मैन, आप सुबह उठे, आपने सोचा मैं अपनी लाइफ को बेटर कैसे करूं, टू गेट एजुकेशन। मैं पढ़ता हूं लिखता हूं लेकिन वहां पेपर लीक हो जाता है। फिर आपने सोचा चलो छोड़ो यार पेपर एग्जाम छोड़ो, चलो कहीं दूर चलते हैं, ट्रेन में बैठ के एक्सीडेंट हो गया। फिर आपने सोचा यार चलो ट्रेन सेफ नहीं है, आई विल गो बाय प्लेन, तो हवा में भी हवा नहीं लगेगी। या दिस हैपेंड, फ्लाइट में लोगों को पंखा करना पड़ रहा है। वाह, मैं हैरान हूं जी। आपने वो भी छोड़ दिया कि चलो यार सब गिव अप कर रहा हूं, मैं किसी पास के मॉल में जाके आइसक्रीम खाता हूं, तो उस आइसक्रीम में भी कटी हुई उंगली मिल रही है। वो क्या रहा है? एंड प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स, बट ये सब कुछ हुआ है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज समथिंग रियली सीरियस। द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, उनको अपनी सिक्योरिटी खुद लेके चलनी पड़ती है। But what about those people who are actually having a security, like our Prime Minister, best of the best security from the country? Yeah, yeah, our Prime Minister is sitting, the entire convoy is going, okay? और ये क्या देख रहा हूँ मैं? किसी ने भीड़ से कुछ फेंका है, alright? अब वो क्या है? You guys will decide. लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसका साइज कुछ इतना बड़ा है और एक साइड से वो व्हाइट है, एक साइड से वो ब्लू है। And it directly went there. Modi ji ke saamne, Modi ji ne khud dekha. The security personnel came and he removed it. Ek to bahut sara discussion chal raha hai country mein ki kya pheka hai, aisa kya hai jo itna lamba hai aur ek side se white hai, ek side se blue hai, strip kya hai, kya hai, mujhe bhi nahi pata chal raha. So we are not sure about it, still investigation is going on, but how can they throw something like this on Prime Minister's convoy? It's a big security breach. Gullu kallu tihari papa ki pariyo aur venam, tum log kya kar rahe ho? You should run this as a breaking news. But why they are not talking about it? If you remember in Punjab, Modi ji ka statement aaya tha. And entire Godi media was talking about it. Yahan pe to dikh raha hai yaar. I'm really concerned about the security here. Yes. So this is all going on in the country. Har koi pariksha de raha hai. और जो परीक्षा देने आ रहा है उसका पेपर लीक हो जाता है। वी ऑल कैन शेयर दिस फीलिंग कि एग्जाम का डेट आता है, फिर आप उस डेट को टारगेट बना के पढ़ाई शुरू करते हो, सब सैक्रिफाइसेस करते हो, पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो, फिर घूमना छोड़ते हो, फिर दोस्तों से मिलना छोड़ते हो, फिर टीवी देखना छोड़ देते हो, हर काम छोड़ के पढ़ते हो फॉर द प्रेशर ऑफ दैट डेट। और फिर वो डे आता है एग्जामिनेशन डे, उस डे पर पूरा प्रेशर लेके आप एग्जाम देने जाते हो, वो तीन चार पांच घंटे जो होते हैं वो बहुत स्ट्रेस में गुजरते हैं, फिर एग्जाम देके बाहर आते हो और एक लंबी सांस लेते हो, हाँ खत्म हो गया। दूसरे दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम फिर से होगा। गया। बट दिस इज नॉट फनी, 9 लाख स्टूडेंट्स, 300 सेंटर्स, वहां तक जाना एग्जाम देना और एकदम से पता चले कि पेपर लीक कर दिया है। यूजीसी नेट वालों का एग्जामिनेशन कैंसिल होता है, उनसे ज्यादा शौक नीट वालों को लगता है कि यार हम डिमांड कर रहे हैं आप इनका कर रहे हो। सीरियसली गाइस, वो क्या रहा है? इसी पर हो जाए कि सिस्टम है वीक, सिस्टम है वीक, तभी तो हो रहे हैं पेपर लीक। एंड एज फार एज नीट 2024 इज कंसर्न्ड, सिंस द बिगनिंग हमेशा ये कहा गया कि नहीं अभी सबूत नहीं है। इतने सबूत ढूंढ ढूंढ के निकाले स्टूडेंट्स ने, इतने सारे प्रूफ इकट्ठे कर लिए लोगों ने
कि अब तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अब की बार 400 पार एज फार एज प्रूफ्स आर कंसर्न्ड। क्वेश्चन लिखी कोई भी प्रमाण नहीं है। यहाँ तो बंदा सामने आके बोल रहा है कि साहब मैंने किए हैं पेपर लीक, ये देखो। मेरे फूफा जी द्वारा मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ा गया था। वहाँ पर मुझे नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। ये रहा प्रूफ। What you will do now? अनुराग यादव, नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु, ये आरोपी हैं और इनका कबूलनामा सामने आया है। Try to understand the situation over here. एक बंदा खुद बोल रहा है कि साहब मैंने पेपर लीक किया, पकड़ लो मुझे। एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे नहीं, तूने नहीं किया, तुझे नहीं पता है, तूने नहीं किया, नहीं किया तूने। And here is the high time to understand the chronology. Yeah, बहुत सिंपल क्रोनोलॉजी है, सिर्फ एन को पकड़ के चलो। पहले नीट, फिर नैट, उसके बाद नालंदा, और इन सब का जवाब देगा तेरा NTA। सही जगह। Yeah, we did a complete episode on NTA. How useless is this thing? No use, no use at all. काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। इसको OLS पे भेज दो। एक काम ढंग से नहीं हो रहा। आई थिंक इनके होने से काम ढंग से नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो ना? समझ रहे। दिस इज अ ह्यूज कंसर्न गाइस, पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट। एंड एज फार एज नालंदा यूनिवर्सिटी इज कंसर्न्ड, ग्रेट। और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, पर उसमें भी नीतीश बाबू दूसरी गवर्नमेंट को क्रेडिट देके चले गए थे। उस समय तो सरकार दूसरे की थी। नहीं, बट हुम सो एवर मेकिंग इट गुड, इनॉग्रेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी, ग्रेट ग्रेट। वरना 10 साल से तो लोग इसी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले रहे हैं, क्या जनता और क्या नेता सब। आफ्टर इनॉग्रेटिंग नालंदा यूनिवर्सिटी मोदी जी सेड 2047 तक इंडिया को ग्लोबल नॉलेज हब बनाने का हमारा एम है। सो 2047 इज फार अवे, लेट्स टॉक अबाउट 2024। यहां पर पेपर लीक क्यों हो रहा है? दिस ट्रिक इज अमेजिंग। इतनी आगे की बात करो कि इंसान अपना अभी का गम भूल जाए। अगर पेपर लीक 2024 में नहीं रुके तो 2047 में नॉलेज भी लीक हो जाएगा। और यहां देखो नॉलेज लीक होके कैसे बह रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी ढंग से नहीं लिख रहे हो यार, और हमारे नेता हैं ये। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड एजुकेटेड पीपल इन द सिस्टम हु कैन केयर अबाउट एजुकेशन। सो सबसे पहले मिनिस्टर्स पढ़ाओ। बट गाइस पेपर लीक, वी नीड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझो। क्या चीज़ कर रहा है? अगर तुम एग्जाम में पास ही नहीं होगे तो जॉब कैसे मांगोगे? सही चीज़ कर रहा है। फिर सो या दैट माइट बी वन रीजन। सो गाइस इफ यू लाइक इन दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, शेयर द वीडियो, लव यू 3000। तो करना। Let's go.